एसपी मंडी मोहित चावला ने पत्रकारों के साथ एक वार्ता का आयोजन किया और इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीते साल ऑपरेशन मुक्ति की कामयाबी के बारे में बताया। साथ ही एसपी मंडी ने कहा कि रोड आई कैंपेन काफी सफल रहा है और अब कोशिश की जा रही है कि पूरे मंडी शहर को सीसीटीवी कैमरों की निगाह में रखा जाए। एसपी मंडी मोहित चावला ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मंडी पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत काफी हद तक नशे के कारोबार को प्रभावित किया है। ऑफिस से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में एनडीपीएस के 82 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2014 में यह आंकड़ा लगभग 10 गुना बढ़कर 143 तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत साल 2013 में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं साल 2014 में 185 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस के पिछली बारी हमारे पास केस रजिस्टर थे, एनडीपीएस के पिछले साल हमारे पास केस रजिस्टर 82 केसेस रजिस्टर थे। इस साल ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ पाते हुए हमने 143 केस रजिस्टर किए, जिसमें हमने 185 लोगों को 185 लोगों को अरेस्ट किया। अब देखिए 185 लोगों को अरेस्ट किया, इसमें कुछ पेडलर्स होंगे, कुछ लिंक सप्लायर्स होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होंगे, तो एक अपवर्ड और डाउनवर्ड लिंक मिलता है। हमारी अपनी जो टेक्निकल सेल है और हमारा जो अपना सिक्योरिटी ब्रांच है, इसमें हमने इनका डाटाबेस तैयार कर लिया और कहां से सोर्स आ रहा है। मोहित चावला ने बताया कि मंडी पुलिस के रोड आई कैंपेन को भी काफी सफलता मिली है और अब प्रयास किया जाएगा कि इस अभियान में आम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए। रोड आई कैंपेन हमारा सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास काफी डाटाबेस इकट्ठा हो गया और लोगों की सुरक्षा रियल टाइम बेसिस पे हम कोशिश कर पा रहे हैं की जाए, और इसमें हमारा रोड आई कैमरा बहुत सफल है। इसमें हम और एक्सपैंड कर रहे हैं, इसमें हम 3 कैमराज और ले रहे हैं, और अब प्रयास ये है कि कम्युनिटी आई करके हम स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आह्वान रहेगा कि अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जगहों पर वो भी सीसीटीवीज का प्रयोग रहे, ताकि हम पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक जाल सा बिछा पाए सीसीटीवी कैमरा के, ताकि एक डेटरेंस इफेक्ट रहे। तो कम्युनिटी आई करके हम इसको स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, इसमें भी आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, अपने जिले की सुरक्षा। उन्होंने मंडी की जनता को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि नए साल में मंडी पुलिस और भी कई कार्यक्रम शुरू करने जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि जो सहयोग ऑपरेशन मुक्ति को मिला है, वही सहयोग आगे आने वाले कार्यक्रमों में मंडी पुलिस को मिलता रहेगा। तो मंडी पुलिस एसपी मंडी मोहित चावला के नेतृत्व में एक आधुनिक पुलिस बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बीते साल मंडी के नए एसपी के रूप में मोहित चावला ने पदभार संभाला था और तब से लेकर अब तक उन्होंने मंडी पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी सारे क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।